फरीदकोट के एसएसपी आईपीएस वरुण शर्मा के नेतृत्व में विधानसभा के आगामी चुनाव को अमन शांति और बिना किसी डर या दबाव में करवाने, लोगों का अपने वोट के अधिकार का सही प्रयोग करने के लिए पंजाब पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की ओर से मिलकर पुलिस की गाड़ियों में शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च की अगुवाई एसएसपी वरुण शर्मा के अलावा एसपी और डीएसपी की ओर से की गई, जिसके चलते पुलिस की गाड़ियों ने फ्लैग मार्च करते हुए पूरे शहर का चक्कर लगाकर लोगों को शहर में अमन शांति बनाए रखने के लिए जागरूक किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए थाना सिटी के एसएचओ हरजिंदर सिंह ढिल्लो ने कहा कि आज पंजाब पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स द्वारा मिलकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि लोगों में डर को खत्म किया जा सके और आगामी विधानसभा चुनाव को अमन शांति से करवाया जा सके। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जिवें कि तुहानू पता ही है जी, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुके आगामी विधानसभा चुनाव नू देखदे होए, तो जिस के तहत असी पैरामिलिट्री फोर्स पहुँच चुके हैं। साढ़े को अज असी माणयोग एस एस पी साहब फरीदकोट के दिशा निर्देशों से असी सिटी फरीदकोट के असी सब डिवीजन फरीदकोट की फोर्स नू नाल लैके ते पैरामिलिट्री फोर्स नू नाल लैके असी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फिलहाल साढ़े को एक कंपनी पहुँच चुकी है, बाकी आ रही ने साढ़े को वक् वक् सब डिवीजन पहुँच चुकी ने। यद मैसेज है पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस जाता जी भी वो फ्रीली फेयर एंड फ्री इलैक्शन होनी है, किसी को भी जाते की उलंघना कर नहीं दी जाऊगी। तो माड़े अंसरों यह मैसेज आता भी आपका सख्ती नाल असी उन्हां नूं नत्थ पाई जाऊगी जे कोई लंघना करूगा कोई कोड ऑफ कंडक्ट दी।